महाराष्ट्र कैंडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खंडेकर लगातार विवादों में बनी हुई हैं। इस बीच अब उनकी मां मनोरमा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पिस्टल लेकर कुछ लोगों को धमकाते हुए नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो पिछले साल यानी 2023 का है। मामला किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि वो जमीन पर कब्जे को लेकर किसानों को धमका रही हैं। पूजा खंडेकर के पिता दिलीप खेंडकर को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने नौकरी के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई, कई जगहों पर अवैध कब्जा भी किया। ये वीडियो उस समय का है जब दिलीप खेंडकर ने किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। किसानों ने इसका विरोध किया तो पूजा खेंडकर की मां मनोरमा बाउंसर के साथ वहां पहुंची। उन्होंने किसानों को धमकाया। इस दौरान उनके हाथ में बंदूक भी थी, जिससे वो किसानों को धमका रही थी। जब किसानों ने उनके खिलाफ पुणे के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो दबाव की वजह से उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। पूजा खेंडकर की मां एक और वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। उन्होंने घर के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाने वाले मीडिया कर्मी पर हमला कर दिया था। पूजा खेंडकर की मां ने कहा कि अगर मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया तो मैं आप सभी को अंदर डाल दूंगी। सिविल सेवा अधिकारी के रूप में अपने अधिकारों के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आते ही पूजा का ट्रांसफर बशीम कर दिया गया। हालांकि ट्रांसफर से ये मामला खत्म होता नहीं दिख रहा है। वो केंद्र ने पूजा से जुड़े मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया। पूजा पर विकलांग श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत दुरुपयोग करने का आरोप है। ट्रांसफर किए जाने के बाद आईएएस अफसर पूजा खेंडकर ने गुरुवार को राज्य के विदर्भ क्षेत्र में पश्चिम जिला कलेक्ट्रेट में सहायक जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है। उधर नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया कि आईएएस प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेंडकर ने स्टील चोरी मामले में गिरफ्तार अपने रिश्तेदार को रिहा करने के लिए नवी मुंबई पुलिस पर दबाव डाला है। उन्होंने मई में नवी मुंबई पुलिस के डीसीपी को फोन किया था। नवी मुंबई पुलिस ने यह रिपोर्ट बुधवार को भेजी है। पूजा महाराष्ट्र केंडर की साल 2022 की बैच की एक आईएएस अफसर है। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल की थी। पूजा अब 30 जुलाई 2025 तक अपना शेष कार्यकाल वाशिम में बतौर ट्रेनी आईएएस पूरा करेंगी। पूजा अहमदनगर के पारथडी के पूर्वी सिविल सेवक दिलीप खेंडकर की बेटी हैं। उनके नाना जगन्नाथ राव बुधवंत भी आईएएस अफसर रहे हैं, जबकि पिता दिलीप प्रदूषण विभाग में कमिश्नर हुआ करते थे। रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने इस साल लोकसभा चुनाव में अहमदनगर दक्षिण सीट से चुनाव भी लड़ा था। पूजा की मम्मी लोक नियुक्ता सरपंच हैं। पूजा के पास कुल 17 करोड़ की संपत्ति है।